ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर मिलिताम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम् ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मृगवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋषभ उवाच नायं देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अरहति वीर भुजांग जी तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्यंग शुद्धि तस्माद् ब्रह्म सुखम तमंत। कल सदाजी मुख्यालय से बातचीत हुई थी कि ऋषभदेव जो उपदेश दिया था उनके लड़कों को रिटायर करने का पहले पहले सब बड़े बड़े राजा लोग रिटायर करते, ये वैदिक सभ्यता। ये नहीं कि जब तक गोली से ना मार दिया जाए वो रिटायर नहीं करें, ये बात नहीं। एक समय रिटायर करने का है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ये जो हिंदू धर्म का नाम से चलता है, ये शब्द जो हिंदू है ये कोई वैदिक भाषा में है नहीं। हमारा शास्त्र में जो है वो वर्णाश्रम धर्म, चार वर्ण और चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से जीवन सफल होता है, ये ही वैदिक सिद्धांत है। वर्णाश्रमाचार वता पुरुष न पर प्रमाण विष्णु आराध्यते पुंसांग नान्न तत्तोष कारण। यानी जो मनुष्य समाज का जो सभ्यता शुरू होती है वो वर्णाश्रम, वर्णाश्रम धर्म जब तक पालन नहीं करेगा तो वो समाज वो पशु समाज है, वही मनुष्य समाज नहीं माना जाता। वर्णाश्रमाचार वता पुरुष ही न परम्परा। तो वर्णाश्रम धर्म का अनुसार भगवान भगवद्गीता में भी बताया है चातुर्वर्णक मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। जो भगवान जो चीज बनाया है चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण कर्म विभाग से गुण और कर्म का अनुसार जन्म का अनुसार नहीं, वो कैसा आप उठा देंगे उसको उठाने से फिर मनुष्य समाज ही नहीं रहेगा, पशु समाज हो जाएगा। तो महाराज ऋषभदेव जिनको हिंदू ये न वर्णाश्रम धर्मी जो है तो भागवत में मानते हैं
कल सुना है जो जैन लोग भी मानते हैं ऋषभदेव को आदि जैन, तो चाहे जैन है हिंदू हो उनका जो उपदेश है वो सबके लिए है। जैन हो हिंदू हो मुसलमान हो और क्रिश्चियन हो, क्योंकि भगवत उपदेश जो है वो सबके लिए है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो अन्न पैदा करने से चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो सब लोग सुखी हो जाएं। तो ये जो अन्न उत्पादन करना सबको सुखी बनाना, ये हिंदू लोग के लिए भी है, मुसलमान का भी लिया है, जैन का भी लिया है, सबके लिए। तो भगवत वचन जो है, भगवान तो एक ही है और उनका जो वचन है वो सबके लिए है। ये नहीं है जो केवल हिंदू के लिए है मुसलमान के लिए, नहीं। ये जो मुसलमान का भगवान और हिंदू का भगवान ये सब अलग अलग नहीं होता, भगवान तो एक ही है, एक ब्रह्म द्वितीय ना। जैसे सोना है, सोना हिंदू का पास रहने से क्या हिंदू सोना आ जाएगा और मुसलमान का पास क्या मुसलमान सोना हो जाएगा? सोना सोना वो चाहे हिंदू का पास रहे और मुसलमान का पास रहे और जैन का पास रहे। तो इसी प्रकार धर्म जो है धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म कोई सेक्टेरियन नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का सूत्र भागवत में बताया कि धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीत। जैसे राजा का कानून होता है वो क्या है, हिंदू के लिए होता है, मुसलमान के लिए होता है, क्रिश्चियन सबके लिए होता है। इसी प्रकार धर्म का जो सूत्र जो कानून भगवान बना देता है वो सबके लिए है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई सेक्टेरियन कोई विशेष समाज के लिए देश के लिए पात्र के लिए, नहीं, सबके लिए। तो धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीत। तो इधर भी ऋषभदेव जो कि भगवान का अवतार है वो अपने पुत्र का शिक्षण दे रहे हैं जो बेटा अयंग देह न अयंग देह देह भाजांग निलोके कष्टान कामान अर हतिवीर पुजांग। हमारे पुत्र ये जो शरीर है अयंग देह दिस बॉडी, ये जो शरीर है मनुष्य शरीर, शरीर सभी का होता है, कुत्ता का भी होता है, सुअर का भी होता है, गधा का भी होता है और मनुष्य का भी होता है। बाकी विशेष करके कहते हैं ये जो शरीर है अयंग देह दिस बॉडी, ये शरीर कौन शरीर, देह भाजांग निलोके निलोके, मनुष्य समाज में जो शरीर है वो शरीर कष्टान कामान न अर्हति वीर भुजांग जी, बहुत कष्ट करके शरीर का जो चाहिदा है आहार और निद्रा भय वहीं थो, चार चीज शरीर का चाहिदा है, कुछ खाने के लिए चाहिए, सोने का कुछ जगह होना चाहिए अपार्टमेंट, और आहार निद्रा भय और भय से बचाने के लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए डिफेंस, और मैथुन और इंद्रिय तत्व विशेष करके जौन संपत्ति, ये चार चीज सबके लिए जरूरत है, कुत्ता का भी जरूरत है और आदमी का भी जरूरत। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पृथ्वी नराणा, आहार निद्रा भय मैथुन ये चार चीज सबके लिए जरूरत है, चाहे कुत्ता का शरीर है और मनुष्य का शरीर है, परंतु कुछ प्रभेद होना तो चाहिए,
मनुष्य का शरीर और कुत्ता का शरीर तो वही बता रहा है कि अहम देह देह भाजांग नीलो के ये जो मनुष्य समाज में जो शरीर मिला है वो कष्टान कामान न अर्ति बीर भुजान के वो जैसे सुअर कुकर दिन भर परिश्रम करके जो अपना जो शरीर का जो चाहिदा है उसको मिटाते हैं मनुष्य शरीर में ये नहीं होना चाहिए मनुष्य शरीर में नहीं होना चाहिए इसीलिए मनुष्य शरीर में प्राकृति उनका जो टेंडेंसी है कि कुछ रुपया कमा करके स्थिर होकर के बैठ के उसको भोग करें ये कुत्ता शरीर और गधा शरीर और सुअर का शरीर में ये संभव नहीं है उनको तो जब तक जीवन रहेगा तब तक उसको परिश्रम करने पड़ेगा और तब उसका शरीर का जो चाहिदा मिटेगा इसलिए मना करते हैं जो अयंग देह ये जो विशेष शरीर है मनुष्य शरीर ये इतना परिश्रम करके शरीर का जो चाहिदा मिटाना है वो तो सुअर गधा के लिए है मनुष्य के लिए नहीं ये बता मनुष्य के लिए इतना परिश्रम करके केवल शरीर का चाहिदा मिटाना ये उचित नहीं है तो मनुष्य के लिए क्या उचित है बताते हैं तपो दिव्यम मनुष्य शरीर है तपस्या के लिए केवल परिश्रम करके दिन रात नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट और मरने का समय तक अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ एक परिश्रम करके इतना परिश्रम करके ये उचित नहीं है मनुष्य शरीर कुछ तो समय केवल तपस्या करने के लिए वो रखना चाहिए इसलिए मनुष्य समाज में ये वर्णाश्रम धर्म का विचार है कि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास कम से कम शरीर छोड़ने का पहले वो वानप्रस्थ और संन्यास तो ग्रहण करे और तपस्या के लिए तपो दिव्यंग पुत्र का तपस्या का जरूरत क्या है क्यों तपस्या करे ना तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्तम शुद्धे ये जो सत्ता है सब कोई चाहते हैं कि है तो जीव मात्र ही न हन्नते हन्नमाने शरीरे शरीर नष्ट हो जाने से जीव नष्ट नहीं होता देह नस्मिन जथा देही कौमान जो जरा तथा देहांतर प्राप्ति ये शरीर नष्ट हो जाने से फिर देहांतर प्राप्ति होगी और एक शरीर मिलेगा उदाहरण स्वरूप अस्मिन देह जथा कौमार जो बुनंग जरा जैसा ये शरीर में बच्चा रहता है फिर कुमार होता है फिर जवान होता है फिर बुढ़ा होता है फिर बुढ़ा होने का बाद मरण होता है तो वो जो मरण का बाद तथा देहांतर प्राप्ति जैसे शुरू से बच्चा शरीर से बालक शरीर से जौवन शरीर से बुढ़ा शरीर इसी प्रकार ये शरीर जाने से और एक शरीर मिलेगा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्य न हुई है तो इसलिए क्या शरीर हमको मिलेगा आगे जाकर के उसके लिए तपस्या करना है और नहीं तो वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषान दर्शनम एक शरीर छोड़ करके फिर एक शरीर ग्रहण करने पड़ेगा फिर जो शरीर में जो कर्म बंधन है उसको भोगने पड़ेगा फिर शरीर छोड़ने पड़ेगा फिर लेने पड़ेगा ये चालू है ये शिक्षण पहले होना चाहिए कि हमको शरीर छोड़ना है तथा देहांतर प्राप्ति और छोड़ करके क्या शरीर मिलेगा हमको उस विषय में तैयार होना है ये अगर नहीं करते हैं तो ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है नीरो के ये हम वृथा विफल हम उसको बिताते हैं ये जो सिविलाइजेशन है ये ठीक नहीं है ये पुत्र को उपदेश दे रहा है ऋषभ देव ये तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्यंग शुद्धे प्यूरिफाई योर एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी प्यूरिफाई तो प्यूरिफाई
वाई प्यूरिफाई क्यों उसको शुद्ध शुद्ध किया जाए ना जतो शुद्धि तो जस्माद ब्रह्म सुख कमनम हम लोग सभी चाहते हैं सुख चाहते हैं इतना जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं शरीर लेकर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का उद्देश्य क्या है सुख बाकी ये जो शरीर छोड़ने पड़ता है तो सुख कहाँ है बाकी हम लोग माया का बस होकर के उसी को सुख मानते हैं बाकी शास्त्र कहते हैं ये सुख नहीं है सुख तो पहले तुम इसको जय करो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसको जय करो फिर तुमको सुख मिलेगा तो ये ऋषभ देव का उपदेश है कि हम लोग को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा और शरीर छोड़ने का पहले जो हमारा सत्ता है जीवन है उसको शुद्ध करना चाहिए शुद्ध ही तो सत्ता ब्रह्म सुखम जगानंद तभी हमको सुख मिलेगा आनंद सच्चिदानंद विग्रह ममैवांश जीव भूत भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं जो जीवात्मा हमारा अंश है और भगवान का रूप क्या है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण जो भगवान जो है उनका शरीर है सच्चिदानंद विग्रह ये शरीर नहीं है जैसा हम लोग का शरीर है धन सोने वाला भगवान का ऐसे शरीर नहीं है हम लोग समझते हैं जो कृष्ण हमारा ही ऐसे कोई व्यक्ति है अब जानती मान मूढ़ा मानसी तनुमान वो समझते हैं कि क्योंकि कृष्ण मनुष्य शरीर से आते हैं तो जो मूर्ख होता है मूढ़ा वो अवजानती अवज्ञा करते हैं बाकी भगवान का शरीर सच्चिदानंद विज्ञ परम भाव अवजानंद वो जानते नहीं जी भगवान का शरीर किस तरह से होता वो भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है भगवान खुद कहते हैं कि ममैवांश जीव होता ये जितना जीव है सब हमारा अंश है वो भी सच्चिदानंद विग्रह है सत का अर्थ होता है इटारण न अन्नते अन्नमान शरीर नष्ट हो जाने से आत्मा नष्ट नहीं होता उसका नाम है सत ओम तत्सत और सत चित चित का अर्थ होता है ज्ञान ज्ञानवान नित्य ज्ञानमय और आनंदमय ये हमारा स्वरूप है तो मुक्ति का अर्थ होता है स्वरूपेण अवस्थिति हित्या अन्यथा रूपम मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति मुक्ति का अर्थ होता है ये जो अभी हमारा अन्यथा रूप है सच्चिदानंद विग्रह नहीं है मरने वाला है नित्य नहीं है और अज्ञानमय है निरानंदमय है ये शरीर छोड़ करके जब सच्चिदानंद विग्रह हमको मिलेगा उसकी नाम है मुक्ति मुक्ति हित्या अन्यथा रूपों अभी अन्यथा रूप है तो इसलिए तपस्या करनी चाहिए ये मनुष्य जीवन है तपो दिव्यंग पुत्र कालीन सत्ता शुद्धे सत्ता को शुद्ध करना चाहिए भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानंद असल तुम्हारा दुख क्या है असल दुख ही है जो बार बार हमको जन्म लेने पड़ता है बार बार हमको मरने को पड़ता है और शरीर लेने से हमको वृद्धावस्था ग्रहण करने पड़ता है और व्याधि भी होता है उससे भी त्रिताप जंतन आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि तो क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का विचार नहीं है सब छोड़ दिया हम लोग इसलिए असल जो क्या दुख है हम लोग नहीं समझते हैं तात्कालिक दुख को मिटाने के लिए हम लोग सब परिश्रम करते हैं वो तो पशु भी करता है तात्कालिक भूख लगा है देखो जी कहाँ खाने को मिलेगा वो सुअर जो है वो देखता है कहाँ स्टूल मिलेगा घू मिलेगा और मनुष्य ढूंढता है कहाँ रेस्टोरेंट है होटल है बात एक ही है परिश्रम करते केवल खाने के लिए शास्त्र में कहते हैं खाने का चीज हमारा मौजूद है उसके लिए तुमको परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं तस्यैव हेत प्रजते त कोविद न लभते जद भ्रमताम पर भगवान सबके लिए खाने का कहीं ना कहीं वो निश्चित करके रखा ही है
हम लोग तो ह्यूमन सोसाइटी है, बिजनेस करते हैं खाने के लिए, बाकी 84 लाख जोनी जो है उसमें तो 80 लाख तो केवल पशु जानवर यही सब होते हैं, उनके लिए भगवान सब खाने को देता है, हाथी को भी देता है, चींटू को भी देता है, और हमको क्यों नहीं देगा। वो खाने के लिए शास्त्र कहते हैं जो ये जो चार चीज है, विषय खलु सर्वतस्या, विषय विषय का अर्थ होता है ये जो आहार निद्रा भय में तुम, ये कहीं भी तुम्हारा जन्म होगा वो तुम्हारे वास्ते ठीक ठाक है, उसके लिए कोई ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तस्य वही तब प्रजते तो विद न लंभते जद भ्रमताम पर जत, बाकी जो भगवान से संपर्क हमारा छूट गया है उसके लिए कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से फिर हमारा भगवान से संपर्क बनेगा। अगर भगवान से हमारा संपर्क फिर बन गया तत्ता दी हम पुनर्जन्म नहीं थी मामी थी कौन थे, ये सब विचार है। ये हमारा जो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है हम लोग यही बात समझा रहे हैं, जो ये बात हम लोग नहीं करते हैं जो सब शरीर यात्रा के जो ये कर्म करना है इसको सब छोड़ छाड़ दिया जाए, नहीं ये बात नहीं, असल जो उद्देश्य है उसको भूलना नहीं, मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है, जो भगवान से हम संपर्क को छुड़ा दिया इसलिए हमारा तर्क है। कृष्ण भूलिया जी भी भोग वंछा करे पासे तारे पासे ते माया तारे जापोटिया धौरे, वैष्णव कवि बांग्लादेश ने बताया है कि जब हम लोग कृष्ण को भूल जाते हैं भगवान को भूल जाते हैं और केवल दुनिया को भोग चाहते हैं तो उसमें उसी का नाम है माया। माया और कुछ नहीं, माया का अर्थ होता है जो चीज असल में है, ये भगवान को भूल जाना यही माया है। इसलिए भगवान कहते हैं मामे वो जब प्रबोधनते माया में तांग तरंत, माया से छुट्टी लेने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, केवल भगवान को स्वीकार किया जाए माया उसी वक्त भग जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामे तंग शरणं व्रज, इसलिए भगवान इतना अपना वैकुंठ छोड़ करके गोलोक वृंदावन छोड़ करके इधर आते हैं, जदा जदा ही धर्म से ग्लानी भवती, वो धर्म का ग्लानी क्या चीज है, क्या भगवान को नहीं मानते नास्तिक का बात, भगवान क्या है हम भगवान, ये जो नास्तिक बात है ये धर्म की ग्लानी। तो इसलिए भगवान खुद आते हैं जदा जदा ही धर्म से ग्लानी भवती, क्योंकि धर्म क्या चीज है, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान जो बात कहते हैं वो ही धर्म, भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कंग शरण, तो यही धर्म है सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो हिंदू मुसलमान धर्म हम लोग सब बनाए हैं ये तो मैन मेड है मनुष्य बनाए, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मान, भगवान कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन धर्म को बताने के लिए नहीं आते, जो असल धर्म जो है भगवान का चरण में शरणागति उसको बताने के लिए आते हैं, और जो भगवत भक्त हैं इसी को प्रचार करते हैं। भगवत भक्त जो है वो क्या धर्म प्रचार करते हैं, वो कोई ऐसा कुछ बना बने करके एक न्यू पैटर्न धर्म वो नहीं प्रचार करते हैं, जो भगवान बोलते हैं उसी को प्रचार करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि, ये परंपरा जो बात भगवान बताए हैं उसके बाद भगवान से ब्रह्मा जी सीखा वही बताते हैं, और ब्रह्मा जी से नारद सीखा है और नारद भी वही बताते हैं, और नारद जी से व्यासदेव सीखा है और व्यासदेव भी वही बताते हैं। सत्यम परम धीमहि जन्मादश सजतः अन्नयाति तदतश्चार्थी सोभिज्ञसरा, और व्यासदेव का परंपरा से हम लोग हैं मध्याचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु वो ही बात बताते हैं, वो एक ही बात, कोई न्यू मैन्युफैक्चर नहीं है, वी डोंट मैन्युफैक्चर, दिस इज द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट, वी डोंट मैन्युफैक्चर। भगवान बताते हैं
मन बना भव मद भक्त मज्जा दिमाग नमस्कुरु। हम लोग वही बन और कुछ नहीं। सबको कहते हैं देखो जी सब समय भगवान का चिंतन कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसी में भगवान का चिंतन होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सब क्षमात्म निवेदनम, ये भगवत भक्ति। कोई दूसरी बात नहीं बताते हैं कि भगवान नहीं है, हम भगवान है, तुम भगवान है, भगवान का कुहाड़ा चल रहा है, ये सब झूठ बात नहीं बताते। असल बात बताते हैं क्या भगवान कृष्ण कहते हैं मन मना भव मन भक्त। भगवान खुद कहते हैं सब समय हमारा चिंतन करो और हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान का चिंतन करो। बात एक ही है, कोई दूसरी बात नहीं है। इसका नाम है परंपरा। ये हमारा चिंतन करो, हम नहीं ऐसे समझे गए जो कि हमारा चिंतन करो। माई हेड मीन्स माई हेड, नो नो माई हेड आई हेड नॉट लाइक दैट। तो यही कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भावना अमृत। ये भगवान जो बताते हैं हम लोग वही बताते हैं। ये भागवत में ही भगवान बताते हैं, भागवत में व्यासदेव भगवान का विषय बताते हैं। चीज एक ही है, कोई फर्क नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु का मिशन अब कुछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमार आज्ञाए गुरु होइया तारो एई देश। जिस देश में आप रहते हैं, आप लोग मुंबई में रहते हैं, ये लोग कोई न्यूयॉर्क में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कोई और कहीं रहता है, तो हमारा प्रचार जो विषय क्या है, आमार आज्ञाए गुरु होइया तारो एई देश। चैतन्य महाप्रभु से हमारी आज्ञा से तुम लोग सब गुरु बन जा। तो गुरु कैसे हम बने? हम तो कोई शिक्षित व्यक्ति आए नहीं और हम बिजनेस करते हैं, गुरु कैसे बने? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण होगे। किसी से तुम मिलते तो है, उससे उसको केवल बताओ जो भगवान कृष्ण बताया, मैं तुम गुरु होगे। चैतन्य महाप्रभु का हिसाब से गुरु होना कोई मुश्किल बात नहीं है। यदि वो मैन्युफैक्चर ना करे, ज्यादा उस्ताद जी ना मने, तो गुरु होना कोई मुश्किल नहीं। केवल भगवान तो बताया है सब कुछ, उसको खाली रिपीट करो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण बोलो। ये हम लोग का मिशन है और आप लोग से सबसे निवेदन यही है, जो ज्यादा इधर उधर बात बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, ना आज तक हुआ है ना होगा। केवल कृष्ण जो बोला है उसको बोलिए, उसको सीखिए और उसको दूसरे को बोलिए और उसको सिखाइए, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं तपो दिव्यंग पुत्र का जीन सत्तंग शुद्धे। यदि आपको सत्ता शुद्ध करना है, सत्ता शुद्ध करने का मतलब क्या होता है? जन्म मृत्यु से छुट्टी, ये सत्ता शुद्ध और जन्म मृत्यु में। भगवान खुद कहते हैं जन्म कर्मन से दिव्यम में जो जाना थी तत्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामे थी कौन थी। बड़ा सरल है और भगवान का जन्म कर्म समझने की कोई मुश्किल है? भगवान कहते हैं, खुद बताते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मान बुधा भाव समझने। तो ये जो ज्ञान है कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा बड़ा सुदुर्लभ। और वो ज्ञान कब मिलता है? बहुनाम जन्मो नाम अंते। ये जो इधर उधर बात बोलते बोलते हैं, अनेक जन्म बीत जाने से जब वास्तविक उसको दिमाग ठीक होता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव यही सब कुछ है। है भी भगवान खुद बताते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय।
वेदांत सूत्र में जन्मादस्य जतः, और उसको व्याख्यान करते हैं श्रीमद् भागवत जन्मादस्य जतः अन्नयात इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञा सरात तेने ब्रह्म निदा। ये सब शास्त्र है, ये कृष्ण उपदेश, ये भगवद गीता भी कृष्ण उपदेश है, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, और श्रीमद भागवत भी कृष्ण उपदेश है, व्यासदेव स्वयं कृष्ण का विषय बता रहे हैं, परम सत्यम दीम। तो सभी हम लोग जो अपना पूर्व इतिहास का अनुसार जो हम लोग कृष्टि को फिर लाने चाहते हैं, कृष्टि तो मौजूद है, बाकी हम लोग जानते नहीं, और जानते भी है तो उसको प्रचार नहीं करते हैं। नते विदु सार्थ गति विष्णु दुराशया दे बहिरर्थ मानी, ये बाहरी चीज से हम लोग समय एडजस्ट करने को चाहते हैं, संगठन करने को चाहते हैं, उसमें कुछ फल नहीं होगा। अंधा जथा अंधी रूपणी माना स्त्री स्वतंत्र उदामी बध्या, ये जो अंधे लोग हैं वो समझते हैं और दूसरे अंधे को हम लीड करेंगे तो उसमें कुछ फल नहीं होगा, क्योंकि ईशतंत्र उरुगामी बध्या, भगवान के कानून से वो हाथ पैर सब बंधा हुआ है, इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं हो सकेगा। प्रकृति क्रमाणानी गुणी कर्माणी सर्वोदय अहंकार विनुणात्मा तत्का हम इति मन्नते, प्रकृति का कानून से बाई नेचर स्लॉ हाथ पैर सब बंधा हुआ है, कोई एक तंक भी वो उससे बाहर नहीं जा सकता है। जब प्रकृति बोलेगा आज तुमको मरना है, किसी का बाप का भी इख्तियार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, साइंटिस्ट कोई एक मिनट भी बचा सकता, मृत्यु सर्वहरस्य हम भगवान कहते हैं, यदि कोई हमको नहीं समझा है तो मरने का बाद वो जरूर समझेगा, जब उनका सब चीज हम छीन लेंगे, ये सब विचार है। इसलिए निश्चित बताते हैं जो बेटा ये जो मनुष्य जीवन है ये कुत्ता का ऐसे और सुअर का ऐसे दिन भर खाली पूरे श्रम करना और जहां थोड़ा बल हुआ और इंद्रिय तर्पण करना, ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य जो है इसको तपस्या द्वारा, तपस्या तपस्या का अर्थ होता है जो चीज हमको पसंद होता है उसको छोड़ देना, इसका नाम है तपस्या। तपस्या का माने है जैसा हम बीड़ी फूंकते हैं और उसका हम बोले बीड़ी छोड़ दीजिए तो जरूर कुछ तकलीफ होगा, तो वो तकलीफ सहन करने पड़ेगा, उसका नाम है तपस्या। हम शराब पीते हैं, शराब पीने से हम छोड़ देने से हमारा तकलीफ होगा, बाकी भगवान के लिए यदि हम शराब छोड़ देते हैं उसमें हमारा कुछ तकलीफ होता है, ये तकलीफ को सहन करना पड़ेगा, इसका नाम है तपस्या। तपो दिव्यंग पुत्र का अजी न सद, दिव्यंग दिव्यंग का अर्थ होता है दिव्य, भगवान के लिए कुछ तपस्या कर। इसलिए हम लोग बताते हैं ये यूरोप अमेरिका जहां जहां हम लोग सब प्रचार करते हैं, देखो जी आप लोग चार चीज छोड़ दीजिए तपस्या की, क्या? नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री संग नहीं करना, अपना विवाहित सिर छोड़ करके अरे प्रत्येक स्त्री को अपनी माता का ऐसे समझना, ये मामूली चाणक्य पंडित का विचार है। पंडित कौन है? ये चाणक्य पंडित का नाम आप सुने हैं, जहां चाणक्यपुरी आपका न्यू दिल्ली में है, बड़ा पॉलिटिशियन, उनका मॉरल इंस्ट्रक्शन है नीति बाग, वो कहते हैं कि पंडित किसको कहा जाएगा, नो जो यूनिवर्सिटी में गया बीएमए पीएचडी डिग्री सब ला के उसको पंडित कहा जाएगा, नहीं चाणक्य पंडित नहीं, वो बात नहीं, फिर किसको कहा जाएगा? मातृवत परदारेषु, जो दुष्ट स्त्री को अपना माता का ऐसे समझते हैं वो पंडित है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्णव आत्मवत सर्वभूतेषु जपति स पंडित, ये चाणक्य पंडित है पंडित, वो भी पंडित, अब कौन पंडित है उसका डेफिनेशन बताया। तो इसलिए ये अवैध स्त्री, स्त्री चाहिए ये हमारा वर्णाश्रम धर्म में विवाहित स्त्री, भगवान भी कहते हैं
कि धर्माविरुद्ध काम अस्मि, जो धर्म का अविरुद्ध काम है वो मैं हूं। केवल पुत्रोत्पादन करने के लिए जो स्त्री का संग है वो धार्मिक है, और इसका अलावा वो अवैध स्त्री संग है, इलिसिट सेक्स, उसको छोड़ना चाहिए। इसका नाम है तपस्या। अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए, स्त्री सुना और बिथा मांस भक्षण करना। हम लोग मनुष्य है, हमारे लिए भगवान कितने चीज बनाए हैं, ग्रेन्स बनाए हैं, फ्रूट्स बनाए हैं, दूध दूध से कितना चीज, ये सब हम लोग खाएंगे ना, मांस खाएंगे, ये महापाप है। इसलिए बताते हैं इसको छोड़ दो, इसमें छोड़ने से अगर कुछ तुम्हारा तकलीफ होता है तो उसको सहन करो, उसको नाम है तपस्या। तो चार चीज ये लोग को छुड़ा दिया, ये अवैध स्त्री संग जो कि उनका दैनिक काम है, बाकी भगवान के लिए ये छोड़ दिया, अवैध स्त्री संग छोड़ दिया है, और मांस मछली अंडा ये सब छोड़ दिया है, और शराब पीना तो छोड़ दिया ही है, बीड़ी भी छोड़ दिया है, सिगरेट भी छोड़ दिया, चाय भी छोड़ दिया है। अवैध स्त्री संग और स्त्री सुना पान, पान का अर्थ होता है चाय पान भी, वो पान है, पान खाना भी वो भी नशा है, तो ये सब तपस्या है, छोड़ देना चाहिए। अवैध स्त्री संग, मांस आदि भक्षण, और नशा भांग और जुआ के, इतना ही तपस्या है, ज्यादा नहीं। वन जंगल में जाने नहीं पड़ेगा।